हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एमएस साइंस एकेडमी। मैं हूं मीनू श्रीवास्तव और आज हम डिस्कस करेंगे बी फार्मा के माइक्रोबायोलॉजी की जो हम हिस्ट्री पढ़ रहे थे उसका पार्ट टू। अभी तक हमने एरिस्टोटल के बारे में डिस्कस कर लिया था। एरिस्टोटल ने जो थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस दिया था उसका रिजेक्शन भी आ गया था। थियोडोर श्वान और शुल्जे ने उसका रिजेक्शन दिया। अब उसके बाद कि किसने उसके लिए सॉलिड एक्सपेरिमेंट किया और फाइनली थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनिटी को गुड बाय बोल दिया, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। वो है साइंटिस्ट लुईस पाश्चर। और लुईस पाश्चर को आई थिंक आप लोग वेल नोन हैं क्योंकि इन्होंने बहुत कह सकते हैं कि माइक्रोबायोलॉजी के अंदर बहुत कह सकते हैं इनका बहुत बड़ा योगदान है और इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा कह सकते हैं वर्क किया लुईस पाश्चर ने। सबसे पहले इन्होंने थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनिटी को ख़त्म किया। बेसिकली थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनिटी को इन्होंने ख़त्म कैसे किया, इन्होंने स्वान नेक एक्सपेरिमेंट किया। एक जो है इन्होंने ये कहा कि एक अगर हम इस तरह का फ्लास्क लेंगे और उसमें अगर जो है मीट ब्रॉथ को रख के और उसको अच्छे से हीट अप कर देंगे, पहले उसको स्टरलाइज कर दिया अच्छे से, सारे जर्म्स थे वो ख़त्म कर दिए और फिर उसको ऐसा उन्होंने दो में किया और अगर एक की जो है नेक थोड़ी सी राउंड कर दी तो इन्होंने कहा कि उस राउंड होने की वजह से ये इस तरह से उन्होंने कर दी है ना, ये इसकी नेक थोड़ी सी बड़ी होनी थी। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि जब इसको उन्होंने गर्म करके राउंड नेक किया तो यहाँ पर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे वो यहीं फंस के रह गए, ठीक है, वो उतना पाथ ट्रेवल नहीं कर पाए। तो इन्होंने कहा कि इसका मतलब ये है कि ना तो ये एयर से फैलता है ना किसी और चीज़ से फैलता है, ये यहाँ पर जो है एयर नहीं आ पाई है, यानी जर्म्स जो है वो अंदर एंटर नहीं कर पाए हैं, तो इसीलिए ये ब्रॉथ ऐसा का ऐसा सुरक्षित है। अगर इन्होंने फिर इन्होंने साथ में एक और एक्सपेरिमेंट किया कि जिसकी नेक जो है इन्होंने तोड़ दी, और इन्होंने नेक जब तोड़ दी तो इसमें देखा इन्होंने कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो थे वो डेवलप हो गए, इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप नहीं हुए। इसका मतलब इन्होंने कहा कि जो ऑलरेडी प्रेजेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म सराउंडिंग में थे वो इस मीट ब्रॉथ पे डेवलप हुए और फाइनली उन्होंने और ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डेवलप किया। लेकिन यहाँ इस केस में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ ही नहीं पाए थे और इसी वजह से ये मीट ब्रॉथ जो था वो सुरक्षित बना हुआ था। इन्होंने और जो काम किया, एक तो ये स्वान नेक एक्सपेरिमेंट करके ही एंडेड द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनिटी की थ्योरी को इन्होंने पूरी तरह से ख़त्म कर दिया था। दूसरा इन्होंने कह सकते हैं कि फर्मेंटेशन के बारे में बहुत अच्छे से इन्होंने बताया कि फर्मेंटेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो कौन होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ही कंक्लूडेड दैट फॉर फर्मेंटेशन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर रिस्पॉन्सिबल। माइक्रो ऑर्गेनिज्म या शॉर्ट फॉर्म में MOS लिख रही हूँ, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर रिस्पॉन्सिबल। और फर्मेंटेशन से जनरली क्या बनाया जाता है, बियर बनाई जाती है, वाइन बनाई जाती है, अलग अलग प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। तो इन्होंने ये कहा कि फॉर फर्मेंटेशन माइक्रोबियल एक्टिविटी या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर रिस्पॉन्सिबल। अब इन्होंने ब्यूटायरिक एसिड फर्मेंटेशन के प्रोसेस में इन्होंने क्या डिस्कवर कर लिए थे, क्या ढूंढ लिए थे, ही रिसीव द एनारोबिक बैक्टीरिया, एनारोबिक बैक्टीरिया। जब ब्यूटायरिक एसिड फर्मेंटेशन पे वो वर्कआउट कर रहे थे तब इन्होंने एनारोबिक बैक्टीरियाज के बारे में डिस्कशन किया था और इन्हें मिला था वो एनारोबिक बैक्टीरिया। तो इन्होंने कहा कि ऐसा भी कोई बैक्टीरिया है जो एयर की एब्सेंस में भी जिंदा रह सकता है, जिसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए। इसके अलावा इन्होंने एक्टिव इम्यूनाइजेशन पे भी वर्कआउट किया। ही डिस्कवर्ड द प्रिंसिपल
प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव इम्यूनाइजेशन। एक्टिव इम्यूनाइजेशन प्रोसेस क्या है, इसको अच्छे से समझिए कि बेसिकली हमारी बॉडी में एक्टिव इम्यूनाइजेशन डेवलप कैसे होता है कि जब हमें कोई कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंट्रोड्यूस होता है हमारी बॉडी में, तो वो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ को जनरेट करता है, यानी हमारी सेल्स को जनरेट करता है। तो वो जो प्रोसेस है जब हमारी सेल्स एक्टिव होती हैं, दैट इज़ नोन एज द एक्टिव इम्यूनाइजेशन। अब बेसिकली हम वैक्सीन और वैक्सीन की टर्म में, जैसे अभी कोरोना का जो चल रहा है, कोरोना की वैक्सीन, तो बेसिकली हम वैक्सीन की फॉर्म में देते क्या हैं, जैसे अगर हमने टाइफाइड का वैक्सीन लगाया या टिटनस का वैक्सीन लगाया, तो टिटनस जैसे माइकोबैक्टीरियम टिटैनी की वजह से होती है। तो सबसे पहले बैक्टीरिया को एटीन्यूएटेड फॉर्म में लाया जाता है। किस फॉर्म में? एटीन्यूएटेड फॉर्म में। एटीन्यूएटेड मतलब क्या होता है? नॉन पैथोजेनिक फॉर्म में। नॉन पैथोजेनिक मतलब कि सबसे पहले तो पैथोजेनिक समझिए, फिर नॉन पैथोजेनिक पे आइए। पैथोजेनिक मतलब कि जो डिजीज प्रोड्यूस कर सकता है, और नॉन पैथोजेनिक मतलब कि जो डिजीज प्रोड्यूस नहीं कर सकता। यानी कि अगर हम माइकोबैक्टीरियम टिटैनी को लैब में ले जाके उसके अंदर कुछ ऐसे केमिकल चेंजेस करें, ऐसे जेनेटिकल चेंजेस करें कि वो पैथोजेनिक ना रहे, यानी कि अब वो डिजीज प्रोड्यूसिंग ना रहे, तो वो कौन सा बैक्टीरिया होगा? एटीन्यूएटेड बैक्टीरिया। अब उसी को ही प्रॉपर सॉल्यूशन बना के हम एज ए वैक्सीन की फॉर्म में हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस करवाते हैं। अब उससे फ़ायदा क्या है? उससे फ़ायदा ये है कि जब हमारी सेल्स को वो मिल जाता है, तो हमारी सेल्स को ये समझ में आता है कि क्या पता लाइफ के किसी फेज़ में सेम ऐसा फॉर्म का बैक्टीरिया हमारे पास आ जाए। अब हमारे पास अगर आ जाए तो हमें तैयारी रखनी चाहिए, तो हमारी सेल्स वेल प्रिपेयर्ड रहती हैं उसके लिए एंटीबॉडीज बना के। तो कभी लाइफ में कभी कोई टिटनस का अटैक आपके पास हो भी गया है, तो बिल्कुल वो उस पर टूट पड़ती हैं। तो सेम वही चीज़ है कि जैसे अभी हम चाइना के अगेंस्ट में अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, तो सेम उसी तरीके से हम एक बैकअप प्लान बना रहे हैं। तो सेम उसी तरीके से वैक्सीन की फॉर्म में हमारी बॉडी को एक बैकअप प्लान बना के दिया जाता है कि देख लो इस तरह का बैक्टीरिया कभी आ गया तो लड़ना है। तो ये चीज़ होती है आपकी एक्टिव इम्यूनाइजेशन, जो कि वैक्सीन की फॉर्म में दी जाती है ताकि हमारी सेल्स को याद रहे, हमारी सेल्स मेमोराइज्ड रखें उस चीज़ को। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक्टिव इम्यूनाइजेशन का कंसेप्ट तो दिया ही दिया था, इसके साथ साथ कुछ वैक्सीन्स भी बना दिए थे, और वो वैक्सीन्स थे रेबीज वैक्सीन, एंथ्रिक्स वैक्सीन एंड कोलेरा वैक्सीन। ही प्रिपेयर्ड द वैक्सीन रेबीज, कोलेरा एंड एंथ्रिक्स वैक्सीन, एंथ्रिक्स वैक्सीन, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने ये कहा कि जो अनडिजायरेबल, ही गेव द स्टेटमेंट इन्होंने क्या दिया कि undesirable microorganisms can avoided or can eliminated with the help of heat। यानी heat treatment से हम undesirable microorganisms को ख़त्म कर सकते हैं। और इसके लिए इन्होंने जो टेक्निक दी थी, इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ, इन्होंने जो टेक्निक दी थी दैट इज पाश्चराइजेशन टेक्निक। लुईस पाश्चर ने जो टेक्निक दी थी वो आज तक हम यूज करते हैं। जैसे हम दूध तो गर्म करते हैं ना, बिल्कुल करते हैं, तो दूध गर्म करना, और इन्होंने जो हीट का रोल समझाया था माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एलिमिनेट करने में, वो आज भी हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो हम दूध, जैसे हम दूध गर्म कर रहे हैं, तो पाश्चराइजेशन टेक्निक में इन्होंने क्या कहा था कि माइक्रो, किसी चीज़ को ख़राब होने से बचाने के लिए हमको उसमें से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हटाने पड़ेंगे। तो इन्होंने क्या कहा कि अगर हम किसी चीज़ को, अगर हम 60-70 डिग्री सेल्सियस पर करीबन 15 से 20 मिनट के लिए गर्म करते हैं, और उसको एकदम सडन ठंडा कर देते हैं, करीबन उसको 0 डिग्री पर ले आते हैं, या उसको सडन ठंडा कर देते हैं, कूल कर देते हैं, तो उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ होने की संभावना बिल्कुल नगण्य हो जाती है, बिल्कुल शून्य हो जाती है, बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। तो ही गेव द टेक्निक ऑफ द पाश्चराइजेशन। तो इसी वजह से इन्हें फादर ऑफ द मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है, और वाकई इनका माइक्रोबायोलॉजी के अंदर जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। नेक्स्ट वी कम टू द रॉबर्ट कॉच। अब हम रॉबर्ट कॉच की बात करेंगे कि इन्होंने क्या क्या दिया। रॉबर्ट कॉच ने कुछ कॉच पोस्टुलेट दिए थे, और इन्होंने भी बेसिकली बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि कॉन्ट्रीब्यूशन दिया कि क्या क्या,
किया जाए। इन्हें दूसरे अब साइंटिस्ट जो आए हैं, नेक्स्ट साइंटिस्ट वो थे हमारे रॉबर्ट कॉच। रॉबर्ट कॉच जो है बेसिकली जर्मन फिजिशियन थे, ये ही वॉज अ जर्मन फिजिशियन, और इनको हम फादर ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं, फादर ऑफ मेडिकल या मेडिसिन माइक्रोबायोलॉजी या मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी भी आप बोल सकते हो, फादर ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। इन्होंने सबसे पहले डिमॉन्स्ट्रेट किया था कि किसी भी डिजीज को कॉज करने में बैक्टीरिया का रोल होता है, ठीक है। बेसिकली तब बैक्टीरिया ज्यादा वर्ड यूज होता था, तो ही डिमॉन्स्ट्रेटेड द रोल ऑफ बैक्टीरिया इन डिजीजेस, कि डिजीजेस के होने में बैक्टीरिया का काफ़ी कुछ रोल होता है। इन्होंने कुछ ऑर्गेनिज्म्स और कुछ बैक्टीरियाज अलग भी किए, जैसे बैसिलस एंथ्रेसिस इन्होंने आइसोलेट किया, बैसिलस एंथ्रेसिस इन्होंने आइसोलेट किया। इसके अलावा इन्होंने कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्कवर भी किए, जैसे आपका माइकोबैक्टीरियम डिस्कवर्ड, ये इन्होंने आइसोलेट किया था बेटा, और इन्होंने डिस्कवर किया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इन्होंने जो डिस्कवर किया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस विब्रियो कोलेरा, ये दो इन्होंने जो है माइकोबैक्टीरियम और विब्रियो कोलेरा इन्होंने डिस्कवर किए थे। इसके अलावा एंथ्रेसिस इन्होंने आइसोलेट किया था। इनके इसी योगदान की वजह से इन्हें नोबल प्राइज से भी जो है नवाजा गया था, नोबल प्राइज दिया गया था। इन्होंने कुछ पोस्टुलेट्स दिए थे या कुछ थ्योरीज या कुछ कंसेप्ट दिए थे, जिन्हें हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉश पोस्टुलेट्स। क्या है बेटा कॉश पोस्टुलेट्स? है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी डिजीज। इन्होंने कहा, ये मैं यहां से लिख देती हूँ, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर रिस्पॉन्सिबल या वर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी डिजीजेस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है रिस्पॉन्सिबल है हर डिजीज के होने के लिए। दूसरी बात, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन आइसोलेटेड, ठीक है, इसको हम ले सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी आइसोलेटेड, ग्रोन, आइसोलेट भी किया जा सकता है एंड ग्रोन ऑन द कल्चर मीडियम, एक स्पेसिफिक कल्चर मीडियम पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो है आइसोलेट करके और ग्रो भी किया जा सकता है। इसके अलावा वी कैन इनोकुलेट द माइक्रो ससेप्टेबल होस्ट, है ना, यानी इस कल्चर मीडियम से अगर हम किसी ससेप्टेबल होस्ट में उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डालेंगे तो वो जो है डिजीज प्रोड्यूस करेगा। तो वी कैन इंट्रोड्यूस द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनटू ससेप्टेबल होस्ट फ्रॉम प्योर कल्चर, मतलब उस बैक्टीरिया का अगर प्योर कल्चर मौजूद है तो बिल्कुल किया जा सकता है, और वो जो ससेप्टेबल होस्ट है उसको उसमें से हम वापस से री आइसोलेट किया जा सकता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी री आइसोलेटेड फ्रॉम होस्ट, उस जो है या इन्फेक्टेड पर्सन जो है उसमें से हम वापस इसको कर सकते हैं। तो ये आपका जो है ये होस्ट था। इसके बाद अभी हम डिस्कस कर रहे हैं जोसेफ लिस्टर के बारे में और कुछ जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया उनके बारे में अभी अपन देख लेते हैं। अब हम यहाँ पर कॉश पोस्टुलेट हमने देख लिए हैं, कॉश पोस्टुलेट के बाद हम पॉल एहलरिज और जोसेफ लिस्टर के बारे में पढ़ लेते हैं। लेकिन इससे पहले हम ये बता दें कि जो रॉबर्ट कॉच थे, रॉबर्ट कॉच ने कुछ कुछ टेक्निक्स डेवलप भी की थी, जैसे इन्होंने स्ट्रीक प्लेट टेक्निक डेवलप की थी, इन्होंने स्ट्रीक प्लेट
टेक्निक डेवलप की थी, ये हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया के अंदर। बेसिकली स्ट्रीट प्लांट टेक्निक के अंदर बैक्टीरिया को ग्रो किया जाता है किसी भी जैसे अगार मीडिया के अंदर उसको कलर उसको ग्रो किया जाता है। तो वो टेक्निक डेवलप करने का जो श्रेय है या उनका जो क्रेडिट है वो किसको दिया जाता है, रॉबर्ट कॉच को दिया जाता है। इसके अलावा इन्होंने ये बताया कि वी कैन यूज़ द जिलेटिन एज द सॉलिडिफाइंग एजेंट, यूज एज अ जिलेटिन फॉर सॉलिडिफाइंग एजेंट फॉर माइक्रोबियल ग्रोथ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए वी कैन यूज एज ए जिलेटिन फॉर द सॉलिडिफाइंग टेक्निक। इसके अलावा कुछ स्टैनिंग टेक्निक जो थी वो भी रॉबर्ट कॉच ने दी थी। इन्होंने कौन सी दी थी, कुछ ही गेव सम स्टेनिंग टेक्निक ये भी इन्होंने दी थी। इन्होंने स्ट्रिक प्ले टेक्निक, स्टेनिंग टेक्निक एंड जिलेटिन को एज अ सॉलिडिफाइंग एजेंट यूज करने की टेक्निक्स भी दी थी। नाउ कम टू द पॉल एहलरिच। अब हम पॉल एहलरिच और जोसेफ लिस्टर के बारे में पढ़ते हैं। और ये जो साइंटिस्ट हैं बेसिकली कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जो माइक्रोबायोलॉजी आज हम देख पा रहे हैं उसको डेवलप करने में। इन साइंटिस्ट का वाकई बहुत बड़ा योगदान कह सकते हैं आप, ठीक है। अब जो नेक्स्ट साइंटिस्ट थे, थर्ड साइंटिस्ट थे, दैट इज द पॉल एहलरिच। पॉल एहलरिच जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने बेसिकली डिस्कवर किया आर्सेनिक कंपाउंड। ही डिस्कवर्ड एंड सिंथेसाइज, इन्होंने डिस्कवर भी किया था और सिंथेसाइज भी किया था सिंथेटिक आर्सेनिक कंपाउंड इसको डिस्कवर किया था, आर्सेनिक कंपाउंड को, जिसको हम बोलते हैं सेल्वार्सन। बेसिकली ये जो सेल्वार्सन है ये इफेक्टिव था सिफेलिस के लिए। ये जो आर्सेनिक कंपाउंड है, इट वाज अ वेरी इफेक्टिव फॉर द सिफेलिस, है ना, सिफेलिस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। और इसे इस कंपाउंड को नाम दिया गया था मैजिक बुलेट, इसको नाम दिया गया। ये इतना ज़्यादा इफेक्टिव था सिफेलिस डिजीज़ में, जिसे इसको जो है फाइनली इसे मैजिक बुलेट के नाम से भी बोला गया था। जो पॉल एहलरिच थे वो अर्लीस्ट पायनियर थे इन द फील्ड ऑफ एंटी माइक्रोबियल कीमोथेरेपी, यानी कि इन्होंने कहीं ना कहीं पायोनियर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एंटी माइक्रोबियल जो कीमोथेरेपी होती है उसके डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं इनका विशेष योगदान रहा। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं जोसेफ लिस्टर के बारे में। जोसेफ लिस्टर बेसिकली एक सर्जन थे और इन्होंने पाश्चर्स की टेक्निक को कह सकते हैं कि यूज़ करके और सर्जरी जो प्रोसेस था उसको काफ़ी स्टरलाइज्ड वे में इंट्रोड्यूस करवाया। तो ये थे इंग्लिश सर्जन थे और इन्होंने डेवलप किया एंटीसेप्टिक सर्जरी बाय यूजिंग पाश्चर टेक्निक। अब इन्होंने पाश्चर टेक्निक्स को करके और सर्जरी को काफ़ी जो है जो उस टाइम पे सर्जरी के टाइम पे जो इन्फेक्शन्स होते थे उसको काफ़ी हद तक रिड्यूस कर दिया था। तो ये आपका बेसिक है हिस्ट्री का माइक्रोबायोलॉजी का। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्कोप और इसकी ब्रांचेस के बारे में। आई होप आपको ये सेशन पूरा पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो यू कैन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।